जब रावण मृत्युशैया पे पड़े हुए थे तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीख के आओ, क्योंकि रावण एक प्रगाढ़ पंडित थे। ये बात सुनके लक्ष्मण जी रावण के कदमों के पास जाके बैठ गए हाथ जोड़ के, क्योंकि जब हम किसी को अपना गुरु मान के कुछ सीखना चाहते हैं तो हमेशा उनके चरणों के पास बैठना चाहिए। लक्ष्मण ने रावण से कहा कि महानुभाव, मेरे भ्राता चाहते हैं कि आप मुझे कुछ ज्ञान की बातें सिखाएं। ये कथन सुन के रावण ने जो बातें लक्ष्मण को बताई वो सिर्फ उसी जमाने में नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत अनुकरणीय है। जो पहली बात रावण ने लक्ष्मण को बताई, किसी भी शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और जो बुरे कार्य हैं उन्हें सदैव टालते रहना चाहिए। दूसरी बात, अपने शत्रु या प्रतिद्वंद्वी को कभी भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। और तीसरी सीख, कुछ ऐसी गुप्त बातें जो कि शायद आपको आगे जाकर किसी परेशानी में डाल सकती हैं, वो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपने भाई को भी नहीं। ये अनुकरणीय बातें आप भी याद रखना।